कितना ऑक्सीजन आ रहा है मैडम? 83 है और हम डिसेंड कर रहे हैं अभी। गालनी पड़ेगी, वो लगी लगनी ही थी। भाई बारालाचा से नीचे डिसेंड कर रहे हैं अब, और ये रूट अपने लिए नया है क्योंकि लास्ट ईयर हम बारालाचा तक ही आए थे और फिर वापस चले गए थे क्योंकि लद्दाख का कोई प्लान नहीं था। सच बारालाचा का भी प्लान नहीं था, बट आ गए थे गाड़ी ड्राइव करते करते। और अब बारालाचा से नीचे उतरते वक्त बताया कि थोड़ा सा रोड खराब है जैसा चढ़ाई पे मिला था, और फिर अब आगे के नज़ारे बिल्कुल नए हैं अपने लिए। फिलहाल रोड को एंजॉय करते हैं, व्यूज को एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितना कुछ देखने को हमें मिलता है। सामने वाला पहाड़ बिल्कुल पर्पल कलर में है और वो दूर मुझे रोड दिखाई दे रहा है, कैमरे में इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, वहां नीचे उतरना है। अभी फिलहाल ऑक्सीजन देख रहे हैं ऑक्सीमीटर से कि कितनी आ रही है। करा रोड बिल्कुल ही तगड़ी खाई एकदम साथ में ही है, डीप है बिल्कुल, सामने दिख रहे हैं रोड्स। कितना ऑक्सीजन आ रहा है मैडम? 83 है और हम डिसेंड कर रहे हैं अभी बारालाचा से। 84 के आसपास है, हाँ 83। काफी कम ऑक्सीजन रहता है लेकिन इतना फील हमें हुआ नहीं क्योंकि हम एक्लेमेटाइज करके आए थे जिस्पा में, तो वो एक नाइट का हमारा स्टे ना काफी हेल्पफुल रहा अपने को, बिल्कुल फील नहीं हुआ हमें बारालाचा पे भी उतर के कि कुछ ऑक्सीजन की हमें कमी फील हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल रोड अपना खराब है बारालाचा से उतरते वक्त, सो चलते हैं आगे। हमने व्यू के मजे लो, बार बार देखने को नहीं मिलता ये सब। बहुत खराब रोड है यार बारालाचा के बाद तो, मतलब एक्सट्रीम है। और ये कैब वाले आ गए हैं, जेके वाले, ये दौड़ा के निकल जाते हैं यार। ओहो, हम तो आराम आराम से चल रहे हैं, इनको पास दे देते हैं भाई, बहुत एक्सट्रीम खराब रोड है। फिलहाल बारालाचा से नीचे उतर गए हैं, ये कुछ चाय पानी का जुगाड़ है, तो देख रहे हैं वॉशरूम है कि नहीं है। और पूर्विक पीछे जाने के मूड में हो क्या? बाकी ले लद्दाख में और स्पीति में एक डिफरेंस है, स्पीति के पहाड़ बहुत पास पास और खड़े हैं एकदम, और लद्दाख में एकदम दूर दूर दिखाई देंगे आपको पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। बाकी हाइट तो दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा है, लद्दाख में और ज़्यादा है, हाई पासेस हैं। और कलर देखो, ये सामने वाला पहाड़ फिर से पर्पल वाला आ गया है, टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री, अब सरचू की तरफ चल रहे हैं और फिर हम हिमाचल को कर देंगे बाय बाय और एंटर करेंगे लद्दाख में। एकदम से स्टीप सा पहाड़ और वैली सी आ गई साथ में, डीप साइड से आई थिंक कोई रिवर जा रही है, पता नहीं भाई, बट बहुत ऊंचा पहाड़ है। अब हम डिसेंट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मंदिर हर हर महादेव, वाह भाई वाह, क्या नजारे हो गए हैं। देखो पूर्विक बात नहीं काटा करो, देखो सामने क्या जबरदस्त नजारे हो गए, क्या क्लास पहाड़ है। रुक जाते हैं, ट्रक को आने देते हैं, ऊपर चढ़ने वाले को हमेशा पास देना चाहिए यार, क्योंकि उसका चल लग रहा है बहुत लाइक फुल घोड़े खुले हुए ट्रक के, अगर उसका ब्रेक लग गया तो चढ़ नहीं पाएगा, उतरने वाले के लिए कंपैरेटिवली इजी रहता है, सो हमेशा ऊपर चढ़ने वाले को पास देना चाहिए। टोटल हम कर चुके हैं दिल्ली से 786 किलोमीटर और टेम्परेचर हौले हौले बढ़ रहा है, 6 डिग्री हो गया है, ऊपर बारालाचा पे 2 डिग्री था। दो जरा इधर देखो लड़ाई, यार कैंप का अपना स्टे बहुत बढ़िया था, बट एक ही चीज थी, एक ग्रुप आया हुआ था और वही पार्टी चल रही थी रात को लेट तक, और फिर दारू पी ली है लोगों ने इतनी ज्यादा कि आपस में ही भिड़ गए हैं, फैमिली वाले आपस में भिड़ गए हैं और गालियां चल रही हैं, मारने को हो रहे हैं एक दूसरे को, रात को 2 बजे तक यही सब बवाल चला है कैंप में। सो
ओवरऑल अदरवाइज स्टे बढ़िया रहता, बट इन्होंने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया। देखना चाहिए लोगों को यार कि और भी लोग रहते हैं, बच्चे हैं कैंप में, बट लगे हुए हैं। भाई उतनी पियो ना जितनी संभाल सको, पागलों की तरह पीते रहते हो, बेवड़ों की तरह, और फिर बवाल मचाते हो रात के 2-2 बजे तक, गालियां चल रही हैं कैंप में। नहीं यार, नेचर एंजॉय करने आते हो ऐसी जगह पे, नेचर को एंजॉय करो। बाकी भाई ट्रेन बदल गया है, छोड़ो मूड ऑफ हो जाता है उनकी बातें सोच के। बाकी सामने से बाइकर्स आ रहे हैं और वहां नीचे दिख रहा है मुझे ट्रक्स, उस साइड अपने को जाना है, वो ब्रिज है हाँ, उधर ब्रिज पे जाना है अपने को। और फिर सरचू में एंट्री होगी अपनी, सरचू पे एंट्री होगी अपनी कि लद्दाख में हम एंटर कर रहे हैं। से आ गया है कच्चा पैच, उधर जाना है अपने को, फिर से खराब सा पैच आ गया है। पूरी बॉडी को मसाज मिल जाएगी आज रात को ना, ले में नींद अच्छी आनी चाहिए, कुछ भी, क्योंकि ऐसे टेरेन पे गाड़ी चला के बॉडी का एक एक इंच को मसाज मिल जाती है। सामने पानी दिख रहा है खूब सारा, फिर खराब रास्ता चल रहा है अभी भी, उस ब्रिज तक आई थिंक खराब ही चलेगा। बाकी अपडेट ये है कि इस पूरे रूट पे जो सबसे टफ रोड है ना, वो बारा लाचा का ही है, चढ़ने में भी और उतरने में भी, दोनों साइड बहुत भयंकर खराब है रोड। और ड्राइविंग स्किल्स अच्छी चाहिए और आप कॉन्फिडेंट हो तभी अपनी गाड़ी से आओ, गाड़ी नीचे लगने के पूरे 100/100 चांसेस हैं। जबरदस्त पानी आ रहा है और ये अपना ब्रिज नंबर है 18th और इस पे लिखा है 1 vehicle at a time, क्योंकि ये बहुत पुराना है, नया वहां ऊपर बन रहा है जिसका काम चल रहा है। देखो कैसे लगा रहे हो, ये तो बहुत ही भाई बहुत ही पतला सा छोटा सा ब्रिज है, टेम्परेरी जुगाड़ है। टांग लंग ला तक है एडवेंचर, उसके बाद हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे। कितना बचा है ले, अभी 269, टंगलंगला 161, टंगलंगला तक थोड़ी ज्यादा मेहनत है, लाचुंगला 72, पांग 95, कहां दिखा रहा हूं मैं पता नहीं जूम करके। रोड्स बढ़िया हो गए हैं, अब एकदम नए बनाए हुए हैं, शार्प कर्व्स हैं और नीचे जाना है बिल्कुल रिवर के लेवल पे। ऑक्सीजन पूर्वक जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन पीना है क्या, कोई गेम थोड़ी है, ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं, मजे से सांस आ रही है। वो देखो नीचे रिवर बेड बिल्कुल दिख रहा है, रिवर लेवल पर जाने वाला टर्न पे डिफरेंट नजारा है यहाँ लद्दाख का, ये है ब्यूटी लद्दाख के। अभी तो हिमाचल भी ऐसा ही है यार, हिमाचल में ही है हम अभी तो मेरे हिसाब से, क्योंकि चेक पोस्ट नहीं आई है, बट हिमाचल लद्दाख बॉर्डर पे चल रहे हैं, बिल्कुल अलग ही ब्यूटी है भाई। बाकी कुछ यहाँ जस्ट स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके हैं और पानी का फ्लो बहुत अच्छा है और गाड़ियाँ भी बहुत तेज जा रही हैं, क्योंकि रोड यहाँ पे एक नंबर बना हुआ है, बिल्कुल नया रोड बना है। एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले रहे हैं और अब चलेंगे आगे लद्दाख की तरफ, एंट्री करेंगे फ्रॉम सरचू। ताबड़ तोड़ तेज भाग रही है अभी, रोड इतना अच्छा हो गया एकदम से और डाउन हिल आ गया है, लेकिन थोड़ा सा बम्पी है, सो ज्यादा भगाना नहीं है वरना बहुत ज्यादा तेज बम्प लगेगा और शॉकर खराब हो सकते हैं। तो ये आया एक जैसे सीधा जंप होती है गाड़ी। बाकी इन्होंने सरचू 12 किलोमीटर लिखा है, 12 किलोमीटर रह गया सरचू। सो अभी तो यार ये जितना सुंदर नज़ारे आप देख रहे हो ये सब हिमाचल ही है, हिमाचल के ये बिल्कुल बॉर्डर एरियाज और लद्दाख एक जैसा सा टेरेन है। सरचू तो अभी थोड़ा सा दूर होगा यार, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 7 किलोमीटर है सरचू और यहाँ पे भी कैंप्स हैं, 2-3 ऑलरेडी निकल गए हैं और भी ये
ड्रॉप कैंप्स, यहाँ भी काफी कैंप्स खुल गए हैं, बट सरचू में यार हाइट ज्यादा रहती है, सो एक्लेमेटाइज करके यहाँ रुकना बेटर रहता है। अगर डायरेक्ट आके रुकोगे तो तबीयत खराब हो सकती है रात को, क्योंकि अभी भी हम 4200 प्लस मीटर पे हैं, तो 13000 फीट के आसपास तो अभी भी चल रहे हैं हम। बाकी फिलहाल भाई जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस किया था उसके बाद तो एक नंबर रोड हो गए हैं, बिल्कुल क्लास नए बने हुए हैं, टारमैक रोड है और चारों तरफ वादियां ही वादियां हैं। सो वादियों में इतने तगड़े रोड, मजा ही आ जाता है। वो कुछ अलग टाइप का मिट्टी कटी हुई है, नेचर ने, हवा ने काटी हुई है कि पानी ने काटी हुई है पता नहीं। अरे रास्ते पे ही ऐसे ही है यार, उधर रिवर के साथ साथ, वहाँ रिवर है, गूगल बता रहा है कोई टसरप रिवर है, पता नहीं हमको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। ये सब नेचर का कमाल है कि कैसे ट्री शेप में ये गड्ढे हुए हैं, बट किसी को भाई हमें तो नहीं पता कि ये कैसे होते हैं, कैसी फॉर्मेशन है ये, बट देखने में बहुत अच्छी लग रही है। उधर जा रही है ना इस रिवर के साथ साथ ये ट्री जैसी फॉर्मेशन बनी हुई है, पूरे रास्ते में ऐसे ही है रिवर के साथ साथ। और ये ब्यूटी है यहाँ की, इतने हाई माउंटेन्स और इतने खुले खुले मैदान से भी हैं, बहुत दूर दूर है माउंटेन्स, ऐसे लग रहा है वैली में चल रहे हो आप, और हैं अभी भी हम भी 13000 प्लस फीट। फाइनली लद्दाख में एंटर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो भी अपनी कार से बाय रोड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सुल्ले अभी भी है 252 किलोमीटर, और अभी अपने को एक चेक पोस्ट मिलेगी, वहां एंट्री कराएंगे। ये सारा सरचू ही है, सरचू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और अब हम लद्दाख रीजन में एंटर करेंगे। खराब पैच आया इधर भी, नया ब्रिज बन रहा है, फिर भी ब्रिज नंबर 19th या 20th होगा अभी। फिलहाल यहाँ से निकालते हैं गाड़ी, काफी डीप है ये भाई, ये तो 12 लच्चा से भी खतरनाक पैच आ गया, पानी इतना ज्यादा अभी है यहाँ पे। धीरे धीरे निकालेंगे बिल्कुल फर्स्ट गियर में, एक्सट्रीम लेवल एडवेंचर हो रहा ना ब्रिज नीचे। हाँ यहाँ पे रहता ही है पानी, इसलिए तो ये ऊपर बना रहे हैं नया ब्रिज। गाड़ी भाई बिल्कुल लग सकती है इधर, बहुत धीरे निकालनी पड़ेगी, वो लगी लगनी ही थी इस पैच पे, तो कहीं हम गलत तो नहीं आ गए हैं, मेरे को वैसे लग तो नहीं रहा गलत आए हैं, क्योंकि और कोई रोड दिख भी नहीं रहा। हाँ यही है यार, पत्थर भी लगा एक नीचे, और आगे से घुमाना पड़ेगा, यहाँ से तो हम नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि ये तो और दो जगह गाड़ी ऑलरेडी नीचे लग गई है भाई। ये बड़ा स्ट्रीप था, बहुत स्ट्रीप था भाई, अभी भी लगने का नहीं। देखो वो आ रही ना गाड़ी पीछे से, एक सेकंड बोल रहे किधर, क्या करें रुक जाओ। एक बड़ा पत्थर हटा के आया हूँ, सांस चढ़ गए, वो नहीं तो पक्का गाड़ी पे लगता।
अब निकालते हैं यहाँ से। ये तो नेक्स्ट लेवल है। ब्रिज नंबर 19th या 20th भाई। ये तो कमाल था भाई, दो जगह गाड़ी लग गई सर के एक बारी सर के एक बारी चेक करेंगे। वो दो जगह तो लगनी थी ही थी यार, वहां पे गाड़ी सिर्फ थार जैसी कार होगी ना, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी होगी, वो हो सकता है ना लगे। बाकी तो यार हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट एसयूवी ये सब लगना तय है इनका नीचे। ओ भाई कमाल का एडवेंचर था, कमाल का। ये आ गई चेक पोस्ट, यहाँ एंट्री करानी है तो भाई यहाँ एंट्री कराते हैं और फिर चलेंगे। भाई दो जगह गाड़ी लगी है नीचे से और बहुत तेज लगी है, अभी तो पता लगेगा नहीं, होपफुली कुछ डैमेज ना हुआ हो। बट गाड़ी के हालात देखो, धूल से बिल्कुल सन गई है।